नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं खेसारी लाल यादव के, तो खेसारी लाल यादव का कुछ दिन पहले यानी कि 21 तारीख को एक सारे गामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक गाना रिलीज हुआ था, जिस गाने का नाम था नाच के मलके ने। वो गाना जैसे ही रिलीज हुआ कई सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करता गया, तो कई सारे नए रिकॉर्ड्स को भी बनाता नजर आया, जिसको लेकर उस गाने की जो सुर्खियां है, जो चर्चा है, वो काफी ज्यादा बनी रही। और बनी भी क्यों ना है, क्योंकि भाई जिस तरीके का उस गाने में खेसारी लाल यादव को लुक नजर आया, जिस तरीके से दो दो अभिनेत्री ने अपना जलवा बिखेरा और जिस तरीके से कोरियोग्राफी, डांसिंग मूवमेंट्स, एक्शन का रूप दिया गया था, उससे भोजपुरी ऑडियंस इस गाने को काफी ज्यादा पसंद किया। और शायद यही वजह है कि इस गाने पर जो है 7.2 मिलियन यानी कि 70 लाख से ज्यादा, 72 लाख से भी ज्यादा व्यूज जो है महज 3 दिन के अंदर मिल चुके हैं, जो कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात होता भी है। लेकिन बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे बड़े बड़े गाने आते हैं लेकिन व्यूज भी पाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें कि जो नंबर ऑफ लाइक्स होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं। कई सारे आप गाने देखते होंगे 100 मिलियन व्यूज पहुंच गया लेकिन उस पर 1 मिलियन भी लाइक्स नहीं होते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव वो एक से बढ़कर एक जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त करते नजर आते हैं, और लाइक्स में खेसारी लाल यादव ने महारत हासिल किया है। बात करें तो जब से खेसारी लाल यादव का गाना नाच के मलकिनी रिलीज हुआ है, लाइक को लेकर एक बहुत बड़ा भयंकर रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसके चलते रितेश पांडे जैसे सिंगर जो है वो काफी ज्यादा पीछे छूट जा रहे हैं। कुछ आंकड़ों के तौर पर मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रितेश पांडे जो हैं खेसारी लाल यादव के सामने जो हैं दूर दूर तक लाइक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें नहीं है। बात करें तो 7.2 मिलियन 72 लाख जो है नाच के मलकिनी गाने पर व्यूज है। अगर मैं इसकी लाइक्स की बात करता हूं तो 3,38,000, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 3,38,000 लाइक है, तो वहीं 1,42,000 जो है इस पे कमेंट्स हैं। लेकिन उसी चैनल पर पॉपुलर अपलोड में रितेश पांडे के भी दो गाने हैं टॉप 5 में, जिसमें कि एक गाना है चुनरी झलकौवा। चुनरी झलकौवा की बात करता हूं तो 78 मिलियन यानी कि 7,80,000 व्यूज है, लेकिन लाइक जो है वो महज 3,05,000 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 7,80,000 व्यूज होने के बावजूद इस पे जो लाइक है वो 3,05,000 है, और खेसारी लाल यादव के गाने 72 लाख पर ही 3,38,000 लाइक हो गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि खेसारी लाल यादव रितेश पांडे की तुलना में कितना बड़ा जो है मुकाम स्थापित किए हैं। वहीं बात करें तो काशी हिल एक रिलीज हुआ है 53 मिलियन यानी कि 5,30,000 व्यूज हैं, 2,75,000 महज उस पर लाइक है, और खेसारी लाल यादव गाना 7.2 मिलियन यानी कि 72 लाख और उस पर 3,38,000 लाइक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके का रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि भैया खेसारी लाल यादव का तांडव और जो जलवा है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग दिशा की ही ओर जा रहा है। बाकी ये बात कैसे लगी, विचार कैसे लगे, ये रिकॉर्ड्स कैसे लगे, कमेंट बॉक्स के जरिए बता दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।